दिल्ली में कोरोना वायरस के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी शामिल हुए हैं। गृह मंत्री की यह बैठक इस मायने में भी खास है क्योंकि राजधानी में कोरोना के कारण बिगड़ते हुए हालात के पीछे केंद्र, राज्य और एमसीडी प्रशासन के बीच उचित तालमेल न होने की बात सामने आ रही है। तो वहीं दिल्ली सरकार और एमसीडी प्रशासन के बीच आरोप और प्रत्यारोप भी होता रहा है। तो वहीं इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने शाम 5 बजे एक और बैठक बुलाई। कोरोना के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की ये दूसरी बड़ी बैठक होगी जिसमें दिल्ली नगर निगम के सभी मेयर शामिल होंगे। इसी के साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपराज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लगातार देश में जो कोरोना का संकट है वो गहराता जा रहा है। अनलॉक 1 का फेज फिलहाल जारी है लेकिन संकट के बादल है वो छटने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। 9000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, प्रीत क्या कहेंगे इसके बारे में? अब बिल्कुल ज्योति, 9000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। केवल मुंबई में ही 1 लाख से ज्यादा केसेस है जी। ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई है और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने वो तमाम राज्य जहाँ पर ज्यादा केसेस हो रहे हैं उससे नाराजगी जताई है जी। तो जी प्रीति, एक और चीज है, अगर मुख्य तौर पर हम दिल्ली की बात करें तो आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ में एक बड़ी बैठक होने वाली है, दो बैठकें होने वाली माफ कीजिएगा। तो इन बैठकों में अभी जो दिल्ली में अनलॉक फेज में जो हालात बिगड़े हैं उन पर चर्चा संभव है, इसके अलावा क्या तमाम अपडेट है आपके पास? देखिए, सुबह 11 बजे से बैठक जेटी शुरू हो गई है जी। अमित शाह के नेतृत्व में बैठक की जा रही है उनके अध्यक्षता में और गृह मंत्रालय में बैठक है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो इस बैठक में शामिल है, स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय हर्षवर्धन वो भी शामिल है, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल बैठक में शामिल है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम है, राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन और उसके जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल है। दिल्ली में जो अभी तक स्थिति बनी हुई है उस पर एक रिव्यू बैठक हो रही है और किस तरीके से इसको कंट्रोल में किया जाए इस पर जो है हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से राज्य सरकार को निर्देश दिए जा रहे हैं। एनडीआरएफ से सलाह ली जा रही है, रिव्यू एक रिपोर्ट बनाई है एनडीआरएफ ने वो इस बैठक में सामने रखी गई। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार पर काफी नाराजगी जताई है जी। जो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से इंतजाम किए दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए वो नाकाफी थे, निजी जो संसाधन थे उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, एनजीओ को इसमें शामिल नहीं किया गया, इस पे जो तमाम जिस तरीके से मैनेज किया गया वो काफी चिंताजनक है क्योंकि लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। और पिछले जो रिपोर्ट आई है दिल्ली में उसमें करीबन 24 घंटे में 2134 जो पॉजिटिव मामले हैं वो सामने आए हैं, 57 डेथ रिपोर्ट आई है। तो ऐसे में दिल्ली का जो आंकड़ा है 38,000 के पार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। अब क्या कुछ नए दिशा निर्देश दिए जाएंगे गृह मंत्रालय की ओर से ये देखना है क्योंकि मीटिंग अभी जारी है जी। बिल्कुल प्रीत, ये जो बैठक हो रही है और जो 5 बजे भी होने वाली है इस इन मायनों में भी खास है क्योंकि कई मौकों पर देखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आपसी सामंजस्य की थोड़ी कमी है और आरोप प्रत्यारोप दोनों के बीच में चलते रहते हैं जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को फिलहाल भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा एक और बात कही जा रही है कि अब आगामी जो एक हफ्ता होगा उसमें 20,000 बेड्स यहां पर तैयार किए जाएंगे। प्रीत जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं तमाम जो प्राइवेट नर्सिंग होम है जहाँ पर 10 से करीबन 39 बेड जहाँ पर है जिन नर्सिंग होम में उनको 3 दिन के अंदर COVID-19 घोषित कर दिया जाएगा और 3 दिन के अंदर उन्हें ये बेड्स अवेलेबल कराने होंगे जो कोरोना के पेशेंट्स है उनको। इसके साथ ही जो स्टेडियम से वहां पर भी बेड्स के साथ साथ पूरा स्टाफ का अरेंजमेंट करना होगा जी। तो पूरे मतलब
राज्य सरकार की ओर से पूरे राज्य में इस तरीके की अरेंजमेंट होगी, क्योंकि दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर के भी जो कोविड के पेशेंट होंगे वो दिल्ली में आकर इलाज करा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली को, केवल दिल्ली नहीं, आसपास के जो राज्य हैं वहाँ के पेशेंट को भी ट्रीट करना, इसलिए बेड की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया प्रीत।